हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना पर भारी पड़ रही गहलोत सरकार। भारतीय राजनीति में अशोक गहलोत को एक दूरदर्शी राजनेता कोई यूं ही नहीं माना जाता। कोरोना संकट ने एक बार फिर उनकी सख्त फैसले लेने की क्षमताओं और प्रशासनिक प्रखरता को स्थापित किया है। ये उनकी दूरदृष्टि का ही कमाल है कि राजस्थान में कोरोना जिस तेजी से पसर सकता था उतनी तेजी पकड़ ही नहीं पाया। कोरोना संकट के मामले में अशोक गहलोत फैसला लेने के मामले में देश में सबसे ज्यादा तेज साबित हुए हैं, क्योंकि इस संकट से बचने के लिए एहतियात के तौर पर अशोक गहलोत राजस्थान ने सबसे पहले कड़े फैसले लागू कर चुके थे। कोरोना के बारे में राजस्थान सरकार के मुख्य के रूप में गहलोत देश की अन्य सभी राज्य सरकार से भी ज्यादा सजग व सक्रिय दिखे, और देश के किसी भी राज्य के मुकाबले गहलोत ने ही सबसे पहले कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग की शुरुआत की। राजस्थान में लॉकडाउन के फैसले को ही लीजिए, राष्ट्र स्तर पर तो 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद ये शुरू हुआ, लेकिन इससे चार दिन पहले ही गहलोत सरकार ने राजस्थान में 18 मार्च को बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश भर में 31 मार्च तक धारा 144 लागू करने के आदेश दे दिए थे। लोगों का जीवन बचाने के लिए ये जरूरी था। इसके बाद 19 मार्च को सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई और होम आइसोलेशन में रखे गए नागरिकों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी नजर रखने के आदेश दिए। फिर देखा कि लोग धारा 144 का पालन करने में ढिलाई बरत रहे हैं, तो 23 मार्च की रात 12 बजे से पूरे देश में निजी वाहनों के सड़क पर चलने पर ही पाबंदी लगा दी। ये सब लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी था। बेहद सीधे और अत्यंत सरल स्वभावी गहलोत कानून की पालना के मामले में कितने सख्त है, ये राजस्थान की जनता ने सार्वजनिक रूप से 23 मार्च की रात को देखा, जब उन्होंने जनता से कहा कि लॉकडाउन तोड़ा तो कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। गहलोत सख्त फैसले लेने में माहिर है और हर हाल में जनहित को केंद्र में रखकर वे कड़े फैसले लेते रहे हैं। इसी की तारीफ करते हुए 24 मार्च को कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर कोरोना के मामले में राजस्थान सरकार के प्रयासों की सराहना भी। जन सरकारों को आगे रखकर काम करने वाले मुख्यमंत्री गहलोत ने सबसे पहले पूरे प्रशासनिक अमले को सक्रिय किया और नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में 23 मार्च को राजस्थान में 29 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए और सूचनाओं का आदान प्रदान व उन पर फैसले लेने के तंत्र को तेज करते हुए राजस्थान को महामारी से बचाने की दिशा में जोरदार जतन किए। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।